चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 ऑटोमेटिक आपको बता दें कि तैनात कर दिया है, क्योंकि जैसा चाल चरित्र रहता है जिनके उसके देखते हुए भारत ने पहले से ही व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन के दोहरे चरित्र को आखिर कौन नहीं जानता। एक तरफ चीन LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत से बातचीत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए टेंट लगा रहा। LAC के पास के कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। लद्दाख में LAC पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होने की संभावना। इसमें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों से सेना हटाने पर विचार होगा जहां पर आपको बता चले दोनों देशों की सेना तैनात है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता होनी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का समय और स्थान अगले 3-4 दिनों में तय होने की उम्मीद। वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बचे ठिकानों से सेना को हटाने पर विचार होगा। हॉट स्प्रिंग्स और कुछ अन्य क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने पर चर्चा होगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसा होगा। पिछले 6 महीने से स्थिति सामान्य है। 1 साल से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही है। 12वें दौर की बातचीत पिछले महीने हुई थी और आपको बताते चले 13वें दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हो सकता है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही बातचीत हो। जैसा कि हमने मसलों पर बातचीत की है, हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम सहमति पर पहुंच ही जाएंगे। कैसे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आखिर आगे बढ़ाया जाए, सभी बिंदुओं पर मसले को सुलझा लिया जाएगा। जब बातचीत शुरू हुई थी आपको बताते चले तब भी लोगों ने तमाम सवाल किए थे कि कैसे इसे हल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये निश्चित रूप से मानना है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ भी, हमें इसे लेकर भरोसा है कि नतीजे अच्छे ही हासिल होंगे। इस बीच LAC पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। LAC पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉविजर रेजिमेंट को तैनात कर दिया। K9 वज्र 155 मिमी हॉविजर तोप लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। ये तोपे ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल होगा। पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी। जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करेंगे। एक तरफ चीन बातचीत की पहल कर रहा है तो दूसरी तरफ LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डाले तो उसके नापाक मंसूबे साफ पता चलते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के फिलहाल मूड में नहीं है। चीन LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने आपको बता चले पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टर का निर्माण किया। पूर्वी लद्दाख और LAC के करीब चीन आधुनिक हथियारों की तैनाती एयरबेसों का अपग्रेडेशन कर रहा, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि LAC पर चीन की सेना के हर हलचल पर उसकी नजर है। चीन को सटीक जवाब देने के लिए हर मुमकिन तैयारी की जा रही है, इसलिए चीन भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर कोई गलतफहमी फिलहाल के लिए तो ना ही पाले। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।